गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह आप लोग का 26 जून 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे देश और दुनिया में क्या नया हुआ, क्या इकोनॉमिक्स में नया हुआ और क्या हमारे स्पोर्ट्स में नया घटना घटी। इससे पहले जो व्यूवर्स नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि उस पर मेन्स की सीरीज चलाई जा रही है। GS 1, 2, 3, 4 चारों पेपर की मेन्स की सीरीज चल रही है, तो एक बार विजिट ज़रूर करें। तो चलिए आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्ले लिटिल स्टडी लिटिल नामक योजना शुरू की है। तो ये की है तमिलनाडु राज्य सरकार ने, सॉरी त्रिपुरा राज्य सरकार ने। प्ले लिटिल और स्टडी लिटिल का उद्देश्य छात्रों को ऑडियो और वीडियो गतिविधि के साथ SMS या व्हाट्सएप सेवाओं के माध्यम से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। अगर हम त्रिपुरा राज्य की बात करें तो इसकी कैपिटल है अगरतला, मुख्यमंत्री है विप्लव कुमार देव और गवर्नर है रमेश बैस। त्रिपुरा की लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है और विधानसभा की इसकी 60 सीटें हैं। हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं इनमें से? तो ये बने हैं वसीम जाफर उत्तराखंड क्रिकेट टीम के नए कोच हैं। और उत्तराखंड की अगर हम यहाँ बात करें तो ये है देहरादून इसकी कैपिटल, इसके मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, इसकी राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क यहाँ मशहूर नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेजर जनरल रिटायर्ड लक्ष्मण सिंह लेहल का निधन हो गया, ये किस सम्मान से सम्मानित थे? तो ये वीर चक्र से सम्मानित थे। ये देश के सबसे बेहतरीन सैन्य जाबाजों में से एक थे और 1948 और 1971 दोनों युद्धों में भाग लेने वाले जीवित अधिकारियों में से एक थे ये, और इन्होंने 1943 में रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में कमीशन दिया गया था इन्हें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करेगा? तो ये करेगा राजस्थान राज्य। इस योजना का लक्ष्य है कि राज्य में कोई भी भूखा ना सोए। इस योजना पर राज्य सरकार हर साल 100 करोड़ खर्च करेगी। अगर राजस्थान की हम बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है जयपुर, इसके मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और नेशनल पार्क है यहाँ पे बेतला नेशनल पार्क, हजारीबाग नेशनल पार्क और धीमा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस WWE रेसलर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये किया है अंडरटेकर ने। अंडरटेकर का आखिरी मुकाबला रेसलमेनिया 36 में एजे स्टाइल के साथ हुआ था। अंडरटेकर द डेड मैन के नाम से WWE में लोकप्रिय हैं और अंडरटेकर ने रेसलमेनिया को लगातार 21वीं बार जीत हासिल की थी उसके ऊपर, रेसलमेनिया के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट मिल गया है? तो ये मिला है इसरो को। लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट मानव अंतरिक्ष यानी के लिए एक सुरक्षात्मक परिधान है और ये फिटिंग सूट है जो गर्दन से लेकर पैरों के सभी अंगों को पूरा कवर करता है और ये सूट अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहना जाता है। सूट को लंबे समय तक पहना जा सकता है, इससे त्वचा पर जलन या संक्रमण जैसा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अगर इसरो की बात करें तो ये भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। संस्थापक थे विक्रम साराभाई और अध्यक्ष इस समय है इसके के शिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के सहकारी बैंकों सहित सरकारी बैंकों को किस सुपरविजन के तहत लाने के लिए कैबिनेट में अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है? तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत के 1482 शहरी सहकारी बैंकों और 58 बहुराज्य सहकारी बैंकों सहित सरकारी बैंकों को देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की सुपरविजन के तहत लाने के लिए कैबिनेट में अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है और साथ ही अंतरिक्ष विज्ञान के लिए भी अध्यादेश मंजूर कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च इंजन गूगल में फर्जी इमेज और वीडियो पर रोक लगाने के लिए कौन सा टूल लॉन्च किया गया है? तो ये टूल है इमेज सर्च टूल। सर्च इंजन गूगल ने फर्जी इमेज और वीडियो पर रोक लगाने के लिए फर्जी फोटो और वीडियो की पहचान के लिए इमेज सर्च टूल लॉन्च किया है। गूगल ने फेक इमेज की पहचान के लिए एक नया फैक्ट चेक मार्कर को जोड़ा है। ये टूल फेक फोटो की पहचान करके उनकी लेबलिंग करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में किस राज्य के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दे दी है? तो कुशीनगर के नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये उत्तर प्रदेश का हवाई अड्डा है। इसके बाद ये हवाई अड्डा, जब इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया जाएगा तो ये थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका जैसे देशों के अनुयायियों को कुशीनगर आने में आसानी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पाकिस्तान के किस शहर में पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसका आंसर है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में पहला हिंदू मंदिर बनाने के लिए आधारशिला रखी गई है, जिसके लिए 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए खर्च किए जाएंगे। भगवान कृष्ण के इस मंदिर को इस्लामाबाद के H9 इलाके में 20,000 वर्ग फुट के इलाके में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजडन इंडिया के एक सर्वे में किस खिलाड़ी को भारत के पिछले 50 वर्ष के टेस्ट इतिहास में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है? तो ये हैं राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को 50 वर्ष के टेस्ट इतिहास में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है। इस सर्वे में साफ तौर पर लड़ाई सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के बीच थी, लेकिन अंत में राहुल द्रविड़ को ही सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले वर्ष चुनावों के दौरान विश्व संस्था के नियमों का पालन नहीं करने पर किसने भारतीय कराटे संघ की मान्यता रद्द कर दी है? तो ऑब्वियस है, विश्व कराटे महासंघ ही ये कर सकता है, लेकिन विश्व कराटे महासंघ ने KAI को मान्यता रद्द करने के खिलाफ 21 दिनों के अंदर अपील करने का भी यहाँ पे विकल्प दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश भारत ने ओलंपिक में अपने कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो ये किए हैं 100 साल पूरे। निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता, और भारत ने ओलंपिक में 100 साल पूरे कर लिए हैं। तो ओलंपिक से क्वेश्चंस आने की बहुत बहुत संभावना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस को सस्पेंड कर दिया है? तो ये किया है ब्राज़ील ने। 15 जून को ब्राज़ील में फेसबुक ने व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस लॉन्च की थी, पर ब्राज़ील के सेंट्रल बैंक ने वीज़ा और मास्टर कार्ड को आदेश पर ब्राज़ील में व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस को सस्पेंड कर दिया है। ब्राज़ील पहला देश है जहां पर फेसबुक ने व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस लॉन्च की थी। तो आज की करंट अफेयर यहीं ख़त्म होते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।